कौन सा एरिया अपना है? ये है गेहूँ खड़ा। सर गेहूँ खड़ा हाँ। जहरीला होता है? वीडियो पे बोल दो गेहूँ खड़ा में मिथुन भाई ने गेहूँ खड़ा सामने। आपका नाम ला मैं बताऊँ? मैं बोलू इधर दो। आपका नाम? आज मैं विपेंद्र सिंह के घर पे मिथुन भाई आए और एक बहुत बड़ा घोड़ा धामन सांप बड़ी मुश्किल से उनने अपने बस में करके पकड़ा और मैं और मेरा परिवार इनका बहुत बहुत आभारी है कि इनने आज मेरे घर से सांप पकड़ा। इसको रेडिस्ट स्नेक भी बोला जाता है। बात तुम दूर हटो। ये रखा ये रखा कर देंगे पहले डाल दो फिर टेप लगा के छेद कर देंगे। पर हाँ सब है सब मिल जाएगा। इसको फिर छोड़ोगे कैसे आप? छोड़ दोगे पार तुम दूर हो जाओ बेटा है। होगा 7-8 फीट का तो होगा है ना नर है। मगर एक काट लो ये नर है तो इसकी मादा भी होगी कहीं। हाँ होगी नहीं वो ढक्कन दो पहले तो झगड़ा होता है ना तो झगड़ा मछली वाला होता है। ये जाने की इच्छा नहीं है उसकी। इसका अब जोड़े का क्या करेंगे यार? जोड़ा का जैसे दिखा पक्षम में बना ना। ठीक है वाह यार गजब। वो टेप लगा ये टेप लगा हो गया आप क्या? टेप लगाना है मुंह पे हाँ देख लेंगे। इससे इसकी ऑक्सीजन चाहिए जी हाँ मिलता रहेगा। इससे इसकी मृत्यु नहीं होगी। ये बनाना जरूरी है। इसमें स्मेल तो ज्यादा आ रही थी जी। इसमें ला रही थी मतलब लड्डू। अच्छा आपको नंबर कैसे मिला? दाने सेल्स पे ग्रुप में यति भाई आए थे पार्षद है ना हाँ। उनने सबको बताया था दाने सेल्स जैसे मैं नगर निगम में हाँ। तो वहाँ पर अभी मतलब प्राइवेट लोगों ने रखा है जी जी। तो वहाँ पे निकलता कल अजगर निकला। अजगर कहाँ निकला? दाने सेल्स हाँ। वो पकड़ा क्या आपने? नहीं लेट हो गया था। हाँ वो उसका वीडियो तो आ गया हमारे पास। हाँ तो मैं लेट हो गया दिखाते हैं आपको देख ला।